ऑल राइट एस फेरेंट्स वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल माई सेफ अनराग एंड यू आर वॉचिंग एंड डीच आर बी आई द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम सो गाइज ये है हमारा लेक्चर फोर्थ ऑफ योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज और प्रीवियस लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट करा था अपना सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम सो फाइनेंशियल सिस्टम में हमने सबसे पहले डिस्कस करा था कि फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली होता क्या है देन हमने कंपोनेंट्स पर बात करी थी और पहला कंपोनेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करा था कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस हैं उन पर हमने बात करी थी आफ्टर दैट पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ आर बेसिकली वो क्या है किस तरह से स्टैब्लिश हुआ था इस पर हमने डिस्कस करा था देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आर का उस पर हमने बात करी थी दैन आफ्टर दैट जो आर की सब्सिडरीज़ हैं उनको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा था सो so, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर का दैट इज़ फंक्शंस ऑफ आर कि आर किस तरह से वर्क को परफॉर्म करता है तो so, अगर हमें फंक्शनिंग समझनी है आर की तो सबसे पहले हम आरबीआई के प्रियम्बल को स्टडी करते हैं और प्रियम्बल से हमें आइडिया लग जाएगा कि आर के क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं तो अगर हम प्रियम्बल को रीड करें तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है हमारे प्रियम्बल का दैट इज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मोनिटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेज अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहां से हमें इंपॉर्टेंट फंक्शन मिल रहा है इशू ऑफ बैंक नोट्स और जो नेक्स्ट वन है हमारा दैट इज़ योर मोनिट्री स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड आफ्टर दैट ये जो हमारी करेंसी होती हैं और क्रेडिट सिस्टम होता है इनको कुछ इस तरह से ऑपरेट करना कि इनसे हमारी कंट्री पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इनका रहे इन सारे फ्रेमवर्क्स पर आर बी वर्क करता है अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें टू हैव अ मॉडर्न मोनिट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इनक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकॉनमी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड दफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ अब गैस जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा नेशन डेवलपिंग नेशन है तो यहाँ पे कंटिन्यूसली न्यू न्यू चैलेंजेस आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड तो उन पर्टिकुलर चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए मॉडर्न पॉलिसी मॉडर्न मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आर क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो प्राइस की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखता है एंड साथ ही साथ हमारे जो ग्रोथ है उसको भी मेंटेन रखने का काम आर करता है सो so, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो मेजर फंक्शन है आर का दैट इज़ योर मोनिट्री मैनेजमेंट तो अब फंक्शंस की बात करते हैं तो वैसे तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आरबीआई के बट मेजरली जो आरबीआई फंक्शंस परफॉर्म करता है दैट आर नाइन सो सबसे पहला जो फंक्शन uh, है आरबीआई का दैट इज़ योर मोनिट्री मैनेजमेंट द सेकेंड वन इज़ करेंसी मैनेजमेंट देन बैंक एंड डेफ्ट मैनेजर टू द गवर्नमेंट आफ्टर दैट बैंक बैंकर टू बैंक देन फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन देन फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट देन मार्केट ऑपरेशन द एट वन इज़ योर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंटल रोल्स ऑफ आर बी आई सो ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं आर बी आई के अब इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ योर मोनिट्री मैनेजमेंट तो अगर हम मॉनेटरी मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर क्या है मॉनेटरी अथॉरिटी है तो बींग बींग एंड मॉनेटरी अथॉरिटी आर क्या करता है फॉर्मूलेट्स करता है और एग्जीक्यूट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को अब फॉर्मूलेट बीइंग क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी है उसे उसमें कई सारे चेंजेस लाना उसमें कोई न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करना ये सारी चीज़ें जो हैं इनको फॉर्मुलेट करना इन्हें बनाना और ये किस तरह से मार्केट में एग्जीक्यूट करना इन सारे फ्रेमवर्क्स पर आरबीआई वर्क करता है और इन सारे फ्रेमवर्क्स पर वर्क करने के लिए आरबीआई यूज़ करता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें जिसकी हेल्प से प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेनटेन रखते हैं बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ अब बात आती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आर जो यूज़ करता है ये बेसिकली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ योर रेपो रेट द नेक्स्ट वन इज बेस रेट द नेक्स्ट वन इज एम या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आफ्टर दैट बैंक रेट देन रिवर्स रेपो रेट देन पी प्राइमरी लैंडिंग रेट देन सी कैश रिजर्व रेशियो आफ्टर दैट एस एल आर स्टैचुअरी लिक्विड रेट सो so, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका आर यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने में अब इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रेपो रेट तो डोगाज अगर हम बात करें अबाउट द रेपो रेट तो लेट अस सपोज कि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है और मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है तो मैं बैंक के पास गया और बैंक से लोन के लिए बोला देन आफ्टर दैट बैंक ने कहा ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बट एट सम इंटरेस्ट तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा ये डिपेंड करेगा रेपो रेट पे अब बेसिकली रेपो रेट होता क्या है तो जिस तरह से लोन की रिक्वायरमेंट के लिए मैं बैंक के पास गया था सिमिलरली जब बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक जाता है आर के पास और आर क्या करता है बैंक, बैंक को लोन प्रोवाइड करता है एट सम इंटरेस्ट तो जो इंटरेस्ट आर लगाता है बैंक पर लोन देते टाइम उसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ही हम कहते हैं रेपो रेट अब ये जो रेपो रेट है इस पर डिपेंड करेगा मेरा बेस रेट अब बेस रेट की बात करें तो बेस रेट वो रेट होता है जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे बैंक मुझे लोन प्रोवाइड कर रहा है उसी को हम कहते हैं बेस रेट सो so, बेस रेट हमारा जो होगा वो रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होगा सो बिकाज दिस इज बेस रेट अब रेपो रेट की डेफिनेशन की बात करें तो द रेट एट विच आर बी आई लैंड्स मनी टू बैंक्स अब रेपो रेट का जो टाइम पीरियड होता है हमारा वो टू टू फोर्टीन डेज होता है और ये फोर्टीन डेज़ बाद रेपो रेट चेंज होता रहता है इसकी वैल्यू कंटीन्यूसली चेंज होती रहती है तो आपको वैल्यू याद नहीं करनी है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बिकाइज तो रेपो रेट की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है तो आपको वैल्यू नहीं याद करनी आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कॉन्सेप्ट समझना है कि बेसिकली रेपो रेट है क्या सो so, अब गाइज क्या होता है कि समटाइम्स बैंक को सिर्फ और सिर्फ वन डे की रिक्वायरमेंट होती है लोन के लिए तो वन डे के लिए जब बैंक uh, लोन लेता है आर से तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो आर uh, इंटरेस्ट लगाता है पर्टिकुलर बैंक्स पे तो उसे हम कहते हैं एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ये पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ वन डे के लिए अवेलेबल होता है फॉर द बैंक अब अगर हम बात करें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंक को फोर्टीन डेज से ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है लोन तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इंटरेस्ट अप्लाई होता है बैंक पे वो होता है बैंक रेट मींस फोटीन डेज से ज़्यादा के लिए जो इंटरेस्ट चाहिए सॉरी फोटी डेज से ज़्यादा के लिए जब लोन चाहिए होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट तो गाइज अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर रिवर्स रेपो रेट तो गाइज रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ऑफ डेज होते हैं बैंक में तो वहां पर कोई भी लोन लेने के लिए नहीं जाता इस वजह से उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि जो लोन अमाउंट होता है बैंक के पास उस पर्टिकुलर आइडियल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकता है तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आर क्या करता है जो अमाउंट बैंक के पास होता है वो बैंक से कहता है कि आप मुझे एज़ अ लोन प्रोवाइड करिए एट सम इंटरेस्ट तो यहाँ पर जो बैंक होता है जो इंटरेस्ट अप्लाई करता है आरबीआई पे लोन देने के लिए उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट अब रेपो रेट क्या था रेपो रेट था वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट अमाउंट जो आर लगा रहा था बैंक को लोन देते टाइम और रिवर्स रेट वो सॉरी रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो बैंक लगा रहे हैं आर को लोन देते टाइम तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से अपने माइंड में गैस बैठा लीजिएगा तो गैस यहाँ पे जनरली आपने हमेशा ये पाया होगा कि आपका जो रेपो रेट होता है वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होता है अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर क्या करता है बैंक से लोन ले बैंक को एज़ अ फ्रेंड जोन कर देता है जिस तरह से लड़की आपको फ्रेंड जोन कर देती है सेम उसी तरह से तो फ्रेंड जोन करके आर बी आई क्या कहता है बैंक से कि जो है मैं लोन तो ले रहा हूँ तुमसे बट ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें ना प्रॉब्लम हो सो फॉर दैट ये करके मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ तो इसलिए जो इंटरेस्ट की रेट होंगी जो उसकी कंडीशनस होंगी वो हम डिसाइड करेंगे तो आर बी आई जो डिसाइड करता है वो हमेशा रेपो रेट क्या करता है वो कम रखता है रेपो रेट से सो दिस इज़ अबाउट द रिवर्स रेपो रेट अब गाइज जो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर प्राइमरी लैंडिंग रेट अब गाइज प्राइमरी लैंडिंग रेट बेसिकली है क्या इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जाम्पल तो गाइज लेटर सपोज कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो आपके पास आता है पैसा लेने तो आप उसे विदाउट एनी क्वायरी आराम से दे दोगे बट वहीं पर गाइज कोई न्यू पर्सन है जिसको आप हार्डली वन मंथ ही हुआ है आपको जाने हुए और वो आपसे कहता है कि मुझे कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ मुझे दे दो तो आप वहाँ पे क्या करोगे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करोगे कुछ चीज़ों के बारे में क्वारीज़ करोगे क्योंकि एज़ यू नो कि अभी वो आपका ट्रस्टेबल बंदा नहीं है इतना तो आप क्या करोगे सारी चीज़ों को फिल आउट कराओगे सारी फॉर्मेलिटीज़ करोगे और मे बी हो सकता है आप ज़्यादा अमाउंट भी ना दो तो ये सारी चीज़ें सेम चीज़ बैंक के साथ भी रहती हैं कि बैंक जो है वो जब कोई उसके पास बिजनेसमैन जाता है या फिर उसका ख़ुद का एक अकाउंट होल्डर जाता है लोन लेने के लिए तो उसे क्या करता है वो एक कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देता है और जब वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करता है तो उसे हम कहते हैं बेस रेट और जब कोई न्यू पर्सन जाता है जिसका ना कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर बैंक के पास या उसका कोई अकाउंट भी नहीं है उस पर्टिकुलर बैंक में तो वहाँ पे क्या करता है बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को न्यू पर्सन को उसे पी एल आर पे प्रोवाइड करता है दैट इज़ प्राइमरी लैंडिंग रेट मीन्स ये हाई होता है बेस रेट से सो so अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें दैट इज़ योर सी आर आर एंड एस एल आर इन दोनों को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अभी तक हमने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करा है इनका क्या इम्पैक्ट रहता है इन्फ्लेशन पे किस तरह से इनका यूज़ करके आर बी आई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है सो so, इन्फ्लेशन को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म को हम समझते हैं सो सोगाज इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ योर लिक्विडिटी अब लिक्विडिटी क्या होती है हमारा कैश मनी होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है अब इन्फ्लेशन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लिक्विडिटी से किस तरह से होता है अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो लेट अस सपोज कि इन्फ्लेशन का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई है तो गवर्नमेंट आर से कहेगी कि अपना रेपो रेट इंक्रीज़ कर दो तो जब आर ने रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया एट फोर्टी परसेंट अब जब फोर्टी परसेंट रेपो रेट आर ने इंक्रीज़ करा तो बैंक क्या करेगा बैंक को जो लोन मिलेगा वो फोर्टी परसेंट इंटरेस्ट पे मिलेगा अब जब बैंक को फोर्टी परसेंट इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो सिमिलर सी बात है कि जो बैंक होगा वो पब्लिक को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगा तो लेट अस सपोज़ कि बैंक ने भी जो बेस रेट रख दिया वो फिफ्टी परसेंट रख दिया अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर किसी पर्सन को वन लाख रुपीस का लोन लेना है तो इन रिटर्न आफ्टर अ ईयर वो क्या करेगा बैंक को जो रीपे करेगा वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड करेगा सो ये बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट हो जाएगा गाइस, तो इस वजह से क्या होगा कि जो लोन जो लोग लेंगे वो बहुत ही कम लोग लेंगे अब गैस जब लोन लेने की जो कैपेसिटी है लोगों की वो कम हो गई तो इस वजह से लिक्विडिटी जो होगी मार्केट में जो कैश मनी होगा जब लोन कोई नहीं लेगा तो कैश ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा तो जब कैश डिक्रीज़ हो जाएगा लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो जब पैसा नहीं है तो लोगों की डिज़ायर्स भी कम रहेंगे और डिजायर्स कम रहेंगी तो कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी और डिमांड कम होने की वजह से जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा और जब कमोडिटीज़ का प्राइस डिक्रीज रहेगा तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में रहेगा अब गाइज अगर मैं इस सिचुएशन को रिवर्स कर देता हूँ तो देखते हैं क्या पोजीशन रहेगी तो गाइज़ जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पर किस तरह से मैनेजमेंट किया गया उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो उस टाइम पर क्या था गवर्नमेंट ने कहा कि आप रेपो रेट को कम कर दीजिए तो लेट अस सपोज़ कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आरबीआई ने 5 परसेंट रेपो रेट करा तो जब 5 परसेंट रेपो रेट करा तो जो बैंक होगा इन जो बैंक है इसने भी अपना बेस रेट कम कर दिया और इसको कर दिया एट टेन परसेंट अब जब टेन परसेंट पे कर दिया तो लोन की जो रिक्वायरमेंट हो गई वो बढ़ गई क्योंकि जब कम परसेंट पे लोन मिल रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा लोन लेंगे और जब लोन ज़्यादा हो गए लोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो लिक्विडिटी मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया ह्यूज डिमांड हो गई लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जब हमारे पॉकेट में पैसा होता है तो हमारी डिज़ायर्स भी इंक्रीज़ होती हैं तब हम नई नई चीज़ें लेते हैं तो जब हम ज़्यादा चीज़ों को की डिमांड बढ़ा देते हैं तो उसके प्राइस भी इनक्रीज़ हो जाते हैं और जब प्राइस कमोडिटीज़ के बढ़ जाते हैं देन इन्फ्लेशन अपने आप एट द टॉप पहुंच जाता है सो so, इस तरह से आर क्या करता है अपने इन पर्टिकुलर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका यूज़ करके इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अब जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने दो पार्ट्स को छोड़ा था दैट इज़ योर सी एंड एस एल आर अब गैस ये जो दो टर्म है ये जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं इसको आर ने इसलिए इंट्रोड्यूस करा ताकि जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो कंट्रोल हो सके तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सी आर आर देट इज़ कैश रिज़र्व रेशियो अब अगर कैश रिज़र्व रेशियो की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर जितने भी बैंक्स हैं इनके पास अमाउंट होता है जो पब्लिक डिपॉजिट करती है और उसी पर्टिकुलर अमाउंट को कहा जाता है एन या नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी ये जो सी आर आर होता है ये एज आ सिक्योरिटी मनी होता है जो आर बी आई अपने पास रखता है इन बैंक से लेकर के कि इन केस अगर बैंक कहीं रन कर जाता है तो जो आ, पब्लिक है उसे कुछ परसेंट जो अमाउंट है वो रिफ़ंड किया जा सके सो दिस इज़ अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो अब नेक्स्ट की बात करते हैं योर एस एल आर तो वैस अगर हम बात करें अबाउट द एस एल आर तो ये भी हमारा फिक्स्ड पार्ट होता है एन डी टी एल का अब एन मैंने डिस्कस कर दिया है इट इज़ अमाउंट जो जो बैंक में डिपॉजिट करती है पब्लिक उसी पर्टिकुलर अमाउंट को हम कहते हैं एन तो ये जो एस होता है ये भी फिक्स्ड पार्ट होता है इस एन का बट ये जो अमाउंट होता है ये बैंक अपने पास फिक्स करके रखता है इसको बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर ये पार्ट इन्वेस्ट कर देगा तो आर इस पर इंक्वायरी कर देगा तो डैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज होता है करेंटली जो हमारा एस चल रहा है ये एट्टीन परसेंट चल रहा है तो एट्टीन परसेंट जो अमाउंट है वो बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है लॉक्ड रखता है इसका कहीं भी बैंक यूज़ नहीं कर सकता सो एटीन परसेंट ये हो गया और अगर हम सी की बात करें तो करेंटली हमारा जो सी चल रहा है वो फोर पॉइंट फाइव परसेंटेज चल रहा है तो फोर पॉइंट फाइव परसेंटेज ये एंड एट्टीन परसेंटेज हमारा ये तो इन दोनों को मिला करके जितना भी अमाउंट है ये आर अपने पास सॉरी सी आर आर अपने पास रखता है और एटीन परसेंट जो अमाउंट है वो बैंक के पास ही रहता है जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इतना परसेंट जो अमाउंट है ये यूजलेस हो जाता है बैंक के लिए सो so, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके बिहाफ पर आर बी आई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपनी मोनिट्री मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ योर आर बी आई आप गैस डिस्कस करते हैं अबाउट द सेकेंड फंक्शन दैट इज़ योर करेंसी मैनेजमेंट टोगाइ so अगर हम बात करें अबाउट द करेंसी मैनेजमेंट तो करेंसी मैनेजमेंट क्या है कोर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है जैसा कि हमने प्रियम्बल में भी रीड करा था कि इशू ऑफ बैंक नोट जो है सबसे पहला पार्ट है सो so, आर क्या करता है आर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दोनों क्या करते हैं करेंसीज़ को डिज़ाइन करते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं साथ ही साथ मैनेज करते हैं कि करेंसी जो है वो एडिकुएट अमाउंट में सप्लाई हो सके क्लीन और जेनुन नोट्स के फॉर्म में और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि कोई चीज़ ओरिजिनल है तो उसकी कॉपी भी बन सकती है तो जो ये करेंसी नोट्स हैं इनकी फोर्जरी ना हो इससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो भी आर मैनेज करता है सो अब करेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट आता है करेंसी प्रिंटिंग तो करेंसी प्रिंटिंग की बात करें तो करेंसी दो तरह की होती हैं नंबर वन इज़ योर नोट्स एंड द सेकेंड वन इज योर कॉइंस तो अगर इस करेंसी प्रिंटिंग की बात करें तो फोर प्रेसेस हैं जहाँ पर नोट्स प्रिंट होते हैं एंड फोर प्रेसेस हैं जहाँ पर कॉइन प्रिंट होते हैं तो जो नोट प्रिंटिंग की बात करें तो नोट प्रिंटिंग में दो प्रेसेज हैं जो आर बी आई ऊन करता है जिसमें से सबसे पहली आपकी माइसोर में है कर्नाटका सेकेंड वन इज़ इन सेलबनी इन वेस्ट बंगाल और रिमेनिंग जो दो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊन करती है जिसको मैनेज करने का काम एस पी एम सी आई एल करता है जो नासिक और देवास में है सो so, इन चारों जगह पे नोट प्रिंटिंग होती है और कॉइंस जो प्रिंट होते हैं वो मुंबई हैदराबाद कैलकाटा एंड नोएडा में कॉइंस मिंट किए जाते हैं तो so, गैस नोट प्रिंटिंग की बात करें तो अगर हम टू रुपीज़ से वन थाउजेंड रुपीज़ के नोट्स की बात करें तो इनको प्रिंट करता है आर और इन पर जो साइन होता है वह गवर्नर ऑफ़ आर के साइन होते हैं और अगर हम वन रुपी नोट की बात करें तो वन रुपी का जो नोट होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है एंड आफ्टर दैट इस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते थे अब करेंटली वन और टू रूपी के नोट जो हैं वो प्रिंट नहीं होते हैं जो पहले से प्रिंटेड नोट्स हैं उनका ही सर्कुलेशन होता है और अगर हम कॉइंस की बात करें तो कॉइन्स को प्रिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया करती है जैसा कि हमने देखा था कि उसकी जो काइंस की प्रेसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और कॉइंस पे कोई भी साइन नहीं होता है अब करेंसी तो प्रिंट हो गई अब इसको सर्कुलेट करने का काम भी आरबीआई का होता है अब गैज जब नोट्स और कॉइंस प्रिंट हो जाते हैं तो प्रिंट होने के बाद ये आते हैं आर में और आर इन्हें क्या करता है फॉरवर्ड करता है टू बैंक्स और बैंक से ये आते हैं पब्लिक में अब बैंक और पब्लिक को कंबाइन करके ही बनती है मार्केट तो गैस नोट और कॉइंस के प्रिंट होने के बाद इनको मार्केट में इंजेक्ट करना ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये आर परफॉर्म करता है सो so, यही था करेंसी मैनेजमेंट दैट इज़ फंक्शन टू ऑफ योर आर बी आई तो गाइज ये था आपका पार्ट वन ऑफ़ योर फंक्शंस ऑफ आर बी आई पार्ट टू में हम रिमेनिंग जो फंक्शंस बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सो गैज दैट सॉल्व फॉर टूडे आई होप आज की इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर कोई भी आपका डाउट है माइंड में रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ आर बी आई तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में मैं करें एंड वी विल आंसर इट सो गाइज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी हमारी फ्यूचर अपडेट मिस ना कर सकें एंड गाइस अगर आपको आर बी आई ग्रेड भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल रिक्वायर्ड है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय जय